मैडम मैं ही नहीं बैठा हुआ सरकारी जंगल पे, भाई तोड़िए सारे बैठे में, सबको निकालो, सबको निकालो, पहले मैं भी निकलूंगा भाई। ताला माइक आगे कर दिया इसका, ये एक पे उसके ऊपर तोड़ दिया, इसके ऊपर मेरे जानवर आरडब्ल्यू फोर और कोई अच्छी बात है आरडब्ल्यू भाई साहब भाई वो हो गया, वो खाली हो गया। देखो जी मैडम एक बात बताओ जी, ये 40-50 साल से जो है नहीं ब्रदर, गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। मैं ये कह रही हूँ, ये कहते हैं उसने गाली दी मैं भी गाली दूंगा, उसने कब्जा किया मैं भी कब्जा करूंगा, वो खून करके आएगा मैं भी, ये नहीं नहीं यही तो बात है। नहीं, मेरे को क्या आप कह तो रहे हैं लोगों के कब्जे हटाइए तब मैं कब्जा छोड़ूंगा, ये कोई बात नहीं जो है जब भी है अच्छी ये बात नहीं है। भाई ये क्या बात कर रहे हैं, मैं ट्रांसफार्मर हवा में लगाऊं? आप गलत बात मत करिए, बस आप मुझे हरा दीजिएगा, मुझे वोट मत दीजिएगा, पर लोगों को बिजली ये सब आपके आपके हमला कर रहे हैं, ये इन्हें भी समझाने मैं अपने आप बात कर लूं। चलो 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 मैडम, जो भी बात कह रही हैं यहाँ के महल्ले के लोगों की आसानी के लिए कह रही हैं। आप अपना स्वार्थ देख रहे हैं थोड़ा सा, अभी बिजली जाएगी, ट्रांसफार्मर चलेंगे, आग लगेगी 24 घंटे, अलका लांबा मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। आज मुझे लोगों को बिजली देनी है, ट्रांसफार्मर लगाने, आग लग रही है लोगों के घरों में ट्रांसफार्मर से, लेकिन सरकारी जगह हमें अपनी जगह नहीं देंगे। 20 साल से कब्जे किए हुए, एक रुपया किराया नहीं लिया सरकार ने आपसे आज तक। अच्छा होती लेती तो 2-4 बेवाओं की बेचारों की पेंशन हम बांध देते इनके पैसों से किराए के। इंद्रवीर जी को चाहिए करवाइए, इंद्रवीर जी आप FIR कराइए 100 नंबर नहीं अभी मत करिए PCR को फोन 100 नंबर पे। मैं 10 मिनट का समय दे रही हूँ, आप इसको 10 मिनट में आप ताला खोल दीजिए, भाईचारे और प्यार से काम होने दीजिए, ताकि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे उसमें आप लोगों की भी लोग दुआएं दें। मस्जिद को बीच में मत लाइए, शर्म आती है कि आप धर्म को बीच में लाते हैं, मस्जिद और मंदिरों की आड़ में खड़े होते हैं, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मस्जिद ये नहीं सिखाती कि लोगों को गर्मी में बिना बिजली के मरने दीजिए, जो बुजुर्ग बीमार पड़े हैं बिना बिजलियों के, क्या बात करते हैं। शर्म आती है उन मौजियों पर, आप जैसे लोगों पर जो मंदिर और मस्जिद को बीच में लाते हैं, शर्म आती है, शर्म आती है। भाई और भी खाली कराओ ना, ठीक है एक ही जगह बोले 50 चल रहा है यार, ट्रांसफार्मर की भाई ये होता है तो कोई आपके लिए नहीं लड़ने वाला आएगा, कोई अरविंद केजरीवाल जिंदा दोबारा नहीं होगा।